नमस्ते दोस्तों, आज आपके लिए लेके आई हूँ सोहा बड़ी बनाने की सब्जी। एकदम ढाबा स्टाइल में आज हम घर पे ही सोहा बड़ी बना के तैयार करेंगे। एकदम रसीली और एकदम चटपटी सब्जी आज हम बना के तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 से 2 कप पानी लिया है, उसे मैंने अच्छे से उबाल लिया है। उबालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के बराबर, मेरी जो कटोरी है पूरी भर रखी है बिल्कुल 1 कप के बराबर। मैं यहाँ पे बड़ी ले रही हूँ और इनको अच्छे से पानी में मिक्स करके कम से कम 10 से या 12 मिनट के लिए हम इसे ढक करके रख देंगे, ताकि जो हमारी बड़ी है वो अच्छे से पानी सोख कर लें और जो अच्छे से थोड़ी फूली फूली हो जाएँ। यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुका है, हमारी देखो बड़ी कितनी ही फूल गई है। बिल्कुल मैंने छोटी वाली बड़ी का यूज़ किया था और ये अब गर्म पानी में बहुत अच्छे से फूल गई है। अब मैं इनका सारा पानी अच्छे से निचोड़ दूंगी, ताकि हमारी जो बड़ी है उनमें बिल्कुल भी पानी ना रह पाए। आप इसी तरीके से सारी बड़ियों का पानी निकाल दीजिए, अगर बड़ी में पानी रह गया तो सब्जी में स्वाद नहीं आ पाएगा। सारा पानी मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इस पानी जो बड़ी का पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। मैंने एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच इसमें ऑयल डाला है और आधी चम्मच मैंने यहाँ में हींग डाली है, और अच्छे से हम अपनी बड़ियों को मिक्स कर लेंगे, ताकि जो हींग का स्वाद है वो अच्छे से बड़ियों में मिक्स हो जाए। और हमें हमारी जो बड़ी है थोड़ी सी क्रिस्पी करनी है, यहाँ पे हमें ज़्यादा हमें टाइट नहीं करनी है, ताकि उनका जो स्वाद है वो ऐसे ही बना रहे। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पर क्रिस्पी करी है अपनी जो बड़ी है, और मैं इनको अच्छे से निकाल लूँगी। ये देखिए प्लेट में मैंने अपनी बड़ी निकाल ली है, और इसी पैन में मैं 1.5 से 2 चम्मच के करीब यहाँ पे तेल डाल रही हूँ, और तेल डालने के बाद इसको हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ, 2 से 3 लहसुन की कली, 1/2 टुकड़ा मैंने यहाँ पे अदरक का डाला है, बिल्कुल छोटा बारीक कट कर लिया था, और 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने यहाँ बीच में से कट करके लंबी फाड़ में ले ली है, और इनको भी हम अच्छे से तड़कने देंगे। यहाँ पे मैं प्याज डाल रही हूँ, प्याज का मैंने गोला आकार रखा है, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। मैंने गोल इस वजह से रखा है क्योंकि जैसे जैसे हम अपनी प्याज को भूनते जाएंगे वैसे ही उसके छल्ले निकलते जाएंगे, तो हम जब सब्जी खाएंगे तो वो छल्ले दिखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप कैसे भी उस प्याज को कट कर सकते हैं। देखिए मेरी बिल्कुल एक एक छल्ला हो गया है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मसाले, यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच किचन किंग मसाला ले लिया, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और अच्छे से चम्मच की सहायता से हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि मसालों में एक भी लम्स ना रहे। बिल्कुल मैंने अच्छे से यहाँ पे अपने जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हम देखिए हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से भून गई है, बहुत प्यारा कलर आ चुका है उसका। अब मैं यहाँ पर मसालों को इसमें डाल दूँगी। मसाले को डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, गैस का फ्लेम हमें थोड़ा तेज़ कर लेना है, और मसालों को अच्छी तरीके से चलाते चलाते ही हमें यहाँ पे पकाना है। जितना भी हम इस मसालों को अपने को चलाएंगे उतना ही इसमें से स्वाद निखर के आएगा, और हमें जब तक हमारी कढ़ाई जो पैन है जब तक वो ऑयल ना छोड़ दे तब तक हमें मसाले चलाते ही रहने हैं। यहाँ पे मैंने 2 आलू कट कर लिए थे, मैं आलूओं को भी यहाँ पे पहले ही पका रही हूँ, क्योंकि मैंने बड़ी उसमें पहले क्रिस्पी कर ली थी, तो मैं सादा आलू डालूँगी तो सब्जी में स्वाद नहीं आएगा। तो 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं यहाँ पे आलूओं को भी इनके साथ अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक ले सकते हैं, और नमक को भी अच्छे से मिक्स कर दें। एकदम अच्छे से कुक करने के लिए हम यहाँ पे 5 मिनट तक के लिए इसे ढक कर के पका लेंगे, ताकि हमारे अगर आलू कच्चे रह गए तो सब्जी का स्वाद ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट हो चुकी हैं, और ये देखिए कढ़ाई ने भी बिल्कुल तेल छोड़ दिया है, तो मतलब हमारे जो आलू हैं वो थोड़े थोड़े पक गए हैं, अभी पूरे तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा उनमें पकापन आ गया। यहाँ पर मैं बड़ी को भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी, ताकि जो बड़ी है वो भी अच्छे से मसालों में लथपथ हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें हमारी गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे रखनी है, और हमारी जो बड़ी है उसमें हम 1.5 गिलास के लगभग पानी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और एक्स्ट्रा डाल रही हूँ मैं, पानी आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से डाल सकते हैं, किसी को पतली अच्छी लगती है, किसी को सूखी सूखी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया था, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा और नमक मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि मैंने नमक पहले कम यूज़ किया था, और इसको मैं 10 मिनट तक अच्छे से कुक होने दूंगी, जो हमारी बड़ी हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए
जो पानी जो मैंने डाला था यहाँ पे वो भी एकदम से उबल के तैयार हो चुका है, और जो हमारा जो आलू है मैं आपको फोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल कच्चा नहीं है, बिल्कुल पक चुका है। यहाँ पे मैं अब देसी टमाटर यहाँ पे डाल रही हूँ, मैंने टमाटर बिल्कुल लास्ट में डाल रही हूँ, खट्टे टमाटर हैं देसी हमारे, और टमाटर को मैं सबसे लास्ट में यूज कर रही हूँ। इनको भी मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए ही अच्छे से ढक के कुकिंग कर लूँगी, जो टमाटर का जो खट्टापन है वो अच्छे से आलू और बड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से सब्जी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी जो सब्जी है वो एकदम रसीली और एकदम खाने में भी बहुत टेस्टी लगी है, क्योंकि इसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि सब्जी कैसी बनी है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इस सब्जी को आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ, एक एक सब्जी को निकाल हम इससे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सरहरी सी मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। हमें इसी तरीके से हमारी जो बड़ी की सब्जी है इस तरीके से आप बनाओगे तो खाने में बहुत टेस्टी, और हफ्ते में 1-2 बार हमें बड़ी की सब्जी बनानी जरूरी है, क्योंकि हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आप इसे चावल या फिर रोटी या पराठा किसी के भी साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें।